बहुत सालों से, बहुत समय से यहां आता हूं। बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि मैं अस्वस्थ हो गया था। मैं यहां आया, मैंने आशीर्वाद लिया और यहां से मैं घर की तरफ चला ही था कि आधे में ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने लगा और उसके बाद से हमेशा मैं स्वस्थ रहा हूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि इस नृत्य को नृत्य के भाव से ना देखें, इसको प्रेम भाव से देखें और उस भाव से देखें जैसे कि उसका ही कोई वानर आपके सामने। जय हनुमान जी की। जन्म दियो विधाता पुंडरील चंद्र, जन्म दियो। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री से आज बड़े बड़े लोग मिलने पहुंच रहे हैं। आप भी बालाजी के भक्त और कट्टर हिंदू हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूले। दोस्तों, वैसे तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री लोगों की समस्याओं को तुरंत जानकर उसका समाधान कर देते हैं और जब हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सभी के दिलों में राज करने वाले गोविंदा बागेश्वर धाम पहुंचे और पहुंचकर लोगों को जागरूक व प्रेरित करते हुए नजर आए और वहीं पर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भजन में झूम के नाचे और बाबा धीरेंद्र शास्त्री से मिलकर गोविंदा बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री आज के समय में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सचमुच बागेश्वर धाम में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतने लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। आपकी राय कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।